दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के ऐसे सबसे प्रसिद्ध चोर बाजार, जहां मोबाइल से लेकर कार तक सब कुछ चोरी का मिल जाता है। यहां महंगे से महंगा सामान कौड़ियों के भाव बिकता है। तो अगर आप भी एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो चलिए बता देते हैं, मगर जरा ध्यान से। ये चोर बाजार ऐसे हैं जहां अगर आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी तो हो सकता है कि आप ही की गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स किसी दुकान पर बिकते हुए नजर आ जाएं। इसलिए संभल कर। तो चलिए बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। चोर बाजार। दोस्तों यह चोर बाजार मुंबई के दक्षिण में मटन स्ट्रीट मोहम्मद अली रोड के पास है। आपको हैरानी होगी कि यह बाजार आज से लगभग 150 साल पुराना है। इस चोर बाजार में आपको ब्रांडेड घड़ियों से लेकर सजावटी महंगे सामान, ऑटोमोबाइल गैजेट्स, महंगे लेदर पर्स और महंगे सेकंड हैंड कपड़े तक मिल जाएंगे। चोरी का सामान होने के बावजूद भी यहां पर सामान को जोर जोर से आवाज लगाकर बेचा जाता है, इसलिए शायद इस चोर बाजार का पहला नाम शोर बाजार था। इस बाजार में चोरी का सामान इतने धड़ल्ले से बेचा जाता है कि इसके लिए एक घटना बहुत ही मशहूर है कि जब महारानी विक्टोरिया मुंबई आई थी तो उनके शिप का कुछ सामान चोरी हो गया था, जो बाद में इसी बाजार में मिला था। यह बाजार सुबह 11 बजे खुलता है और शाम 7:30 बजे बंद होता है। सोतीगंज का ये चोर बाजार एशिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मार्केट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर चोरी की हुई गाड़ियाँ और उनके स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं। यहाँ पर आपको महंगी से महंगी गाड़ी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ एक्सीडेंट हुई गाड़ियाँ और चोरी की गाड़ियाँ अधिक बिकने के लिए आती हैं। दोस्तों दिल्ली के चोर बाजार के बारे में तो तकरीबन सभी ने सुना होगा। ये भारत का सबसे पुराना चोर बाजार है। पहले ये बाजार संडे मार्केट के तौर पर लाल किले के पीछे लगता था, मगर अब ये बाजार दरियागंज में नोएल्टी और जामा मस्जिद के पास लगाया जाता है। यहाँ पर महंगे से महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। दिल्ली का ये चोर बाजार मुंबई के चोर बाजार से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सामान इतना सस्ता है कि इसे लोग कबाड़ी बाजार भी कहते हैं। इस चोर बाजार के लिए एक घटना बहुत ही प्रसिद्ध है कि एक बार एक व्यक्ति अपनी कार बाजार में खड़ी करके पुराने टायर खरीदने चला गया। वह बाजार से जो टायर मोल भाव करके खरीद कर लाया वह उसी के कार के टायर थे। चिकपेट बेंगलुरु। दोस्तों ये चोर बाजार बेंगलुरु में चिकपेटू नामक एक जगह पर लगता है, मगर यहाँ घर में इस्तेमाल होने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक चीज आपको बहुत ही सस्ते दामों पे खरीदने को मिल जाएगी। यह बाजार मुंबई और दिल्ली के चोर बाजारों जितना बड़ा तो नहीं, मगर यहाँ का सामान उससे कुछ कम भी नहीं। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ चोर बाजार। क्या आपका भी मन कर रहा है यहाँ जाने का, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ में ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।